यस आज हम देखने वाले हैं तुम्हारे और मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स की रियर पैरानॉर्मल घटनाएं। यूट्यूबर्स के साथ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट्स या फिर कुछ ऐसे उसके साथ में रियल लाइफ स्टोरी हुई है, तो वो आज हम देखने वाले हैं कि क्या हुआ था। तो चलो देखते हैं। आज की इस वीडियो का लाइक है 200 लाइक भी करवा देना आप भाई, बहुत ही ज़्यादा कम करवा ही देना। ओके चलो एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो सब तो भी देखते हैं हमारे मेरे भी मोस्ट 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 फेवरेट यूट्यूबर्स का ट्रिगर इंसान का वीडियो रावनी है। तो चलो देखते हैं। सांचन का रियल नेम है निश्चय मलाल, उन्हें आप सभी जानते होंगे और इनके यूट्यूब पर 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। इनकी स्टोरी टाइम वीडियोस भी काफी फेमस है, जिनमें वो अपने साथ भी रियल लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं। और उनके साथ एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये बात उनके स्कूल टाइम की है, जब वो 11th क्लास में थे और उनका एक फ्रेंड भी था। पढ़ने में वो काफी अच्छा था, साथ ही में वो बच्चों की हैंडलिंग का काम करता था, जो असेंबली करवाते हैं वो सब करता था। एनुअल डे का टाइम था, बारिश का मौसम हो रहा था। वो निश्चय और उसका दोस्त अपनी क्लास में चिल करते हुए एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें रूमर था कि उसमें भूत है। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस रूम को चेक करते हैं। वो जैसे ही वो रूम के पास गए तो निश्चय को एक परछाई सी रूम के अंदर दिखती है, जिसके बाद उन दोनों की थोड़ी फटने लगी और अंधेरा और बढ़ने लगा। तो रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगी, तो निश्चय की पैंट से सूसू निकलने की जैसे हालात हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंदर देखा तो एक बच्चा पंखे से लटका हुआ है, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई है और वो निश्चय को ही देख रहा भाई। वो क्या है, देखो भाई ये मेरे को तो लग रहा है कि वो निश्चय भाई ना अपनी स्टोरीज 100% तो ट्रिगर्ड इंसान। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि वो डर गए और अपने टीचर को बुला लिया, लेकिन टीचर ने जैसे इस रूम को ओपन किया तो बिल्कुल नॉर्मल भाई साहब, यहाँ पर कुछ भी नहीं था भाई। मजाक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर उन दोनों को सुना कर चली गई और वो दोनों सदमे में ही रह गए। UK07 तो अभी देखते हैं UK07 राइडर का, इसको तो जानते होंगे आप भी। राइडर ये भी एक मोटो ब्लॉगर है जो आज काफी ज्यादा फेमस है और ये बिग बॉस में भी हो आ चुके हैं। एनीवेज आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में, जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बात तब की है जब इनके ऐसा 1,400 के सब्सक्राइबर थे, तभी की बात कर रहे हैं भाई। वो फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे और जगह काफी दूर थी, जिसके दो रास्ते थे और उन्होंने लॉन्ग रूट की बजाय एक शॉर्ट रास्ता चूज किया। जंगल के बीच कौन शॉर्ट रास्ता चूज करता है भाई, होकर गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं उन्हें अजीब लगने लगता है और कुछ देर बाद उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता भाई, है। भाई देखो 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 देखकर भाई वॉल्यूम कम कर देता हूं भाई, अभी कुछ तो क्रीपी होने वाला है। ये देखो गाइस, लिटरली कोई भी शैडो नहीं है इस चीज का, ये चीज क्या है। जब बाइक की जो लाइट होती है तो इस पे शैडो लगता है, बट इसके पीछे कोई भी शेडो नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूँ भाई, पहली क्लिप ऐसी है जो मेरे को 100% जो है रियल लग रही है, बट ये देख सकते हो यहाँ पर शेडो ही नहीं है कहीं। तो यहाँ पर प्यारी मिनाती, चलिए फटाफट से कैरी मिनाटी भाई का वीडियो देखते हैं भाई। इसको कौन नहीं जानता भाई, सब लोग जानते हैं। गेम खेलती खेलती इसका इंसिडेंट मैंने भी देखा हुआ है, उसका कुछ उल्टा ही था। हमेशा की तरह वो अपने चैनल पर आउटलास्ट 2 की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही हॉरर गेम है। ये गेम खेलती खेलती उनके रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख कर बहुत ही ज्यादा हॉरर गेम है। ओके ओ भाई, ये एम इसका जो है कैरी मिनाटी का जो एम है ना आप ही देख वो गिर जाता है, देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं सिस्टम का वीडियो, मैं मतलब है कि एलवी सी यादव का वीडियो भाई। तो उसके साथ में क्या हुआ था देखते भाई, मजाक पड़ के भाई भाई साहब। भाई सब चिल्लाने लगे, ये क्या हुआ। उनकी ओवर एक्टिंग के चाहे कोई 50 रुपए काटे ना काटे, पर एक वक्त के बाद उनकी हंसी मौत में बदल गई। भाई साहब निकलोगे मुझे लगा राइट में से भी कोई आ रहा, बट तुम सारे लेफ्ट में दिख रहे हो। देखा मैं कुछ ऐसा ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है और बात ये पेपर्स का दरवाजा भाई साहब बाहर से भी पकड़ के रखा था। ओके भाई साहब, ओके भाई जी, इस भाई ने सही बोला
एंड आपको समझ में आ गया कि नहीं भाई? देखो ओके ओके तो भाई साहब अभी देखने वाले हैं हम दिलराज भाई का वीडियो। दिलराज भाई यानी कि मिस्टर इंडियन हैकर। फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, क्या है भाई इस वीडियो पे। पकड़ा गया है और शायद मिस्टर इंडियन हैकर भी शूट के वक्त नहीं जानते होंगे कि उनके कैमरे में भूत दिखने वाला है। इसीलिए जब वो भूत की तलाश में अपने दोस्तों के साथ निकले तब सभी के बीच सिर्फ हंसी खुशी का माहौल था, मगर उनमें से एक ने अचानक छाया में इनकी परछाई देखी और मामला संगीन हो गया। वैसे इनकी कहानी वहीं रुकनी चाहिए थी, मगर हमारे बहादुर फिर भी मस्ती से बाहर नहीं आए। जो टीम है ना वो बहुत ही ज्यादा ऐसी है ना, अब फनी भी कर लेते हैं, कब सीरियस हो जाता है कुछ पता भी नहीं चलता है भाई। बहुत बड़ा थोड़ा सा तो मजा लेने तो मेरे को भी। और पार्ट वन खत्म हो गया। ऐसा ही भूतिया माहौल पार्ट टू में भी जारी रहा, मगर करके भी इनके कैमरे में भूत पाया गया। ऑडियंस ने इनको बताया कि पार्ट वन के 17:55 पर भूत साफ नजर आ रहा है। ओके ओ भाई ये देखो 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 ये देखो ये चीज क्या है आपको पता है? कमेंट करके बता दो भाई, बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रही है मेरे को तो। मगर सच्चाई का क्या? ये भाई साहब वैसे अपने चैनल पे कई भूतों के वीडियोस बना चुके हैं, तो क्या दिलराज भूत से मिलते हैं? इसका साउंड इफेक्ट ये है ना भाई, मेरे निकल जाते हैं। तो दोस्तों हमने जो यूट्यूबर्स है यूट्यूबर जो है चेंज कर लिया है, तो हम दूसरे स्पिरिट्स को देखा देखने वाले हैं। ये वीडियोस हमने उन्हीं के चैनल से लिया है और वो ये खुद क्लेम करते हैं ये सारे वीडियोस रियल हैं, पर इस बार हम खुद भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। अगर आपके भी कुछ ओपिनियन है तो हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्लिप की ओर। एक वीडियो अपलोड किया है सेइंग घोस्ट स्पॉटेड वाइल्ड राइडिंग, और आज हम इसी वीडियो पे डिस्कस करेंगे। एक रात वो अपने पार्टनर के साथ एक राइड पे जा रहे होते हैं। बारिश के वजह से उनका निकलना काफी लेट हो गया था और रात बहुत हो गई थी। इंसान रास्ते में जाते वक्त उन्हें रास्ते पर एक औरत दिखती है जिसने दुल्हन जैसे कपड़े पहने थे और सर पे फूल भी लगाया था, और ये चीज़ उन्हें काफ़ी अजीब लगी। ये चीज़ उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी और वो दिखने में कोई नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि काफ़ी डरावनी थी। भाई साहब ये कैसे यार VFX यूज़ कर रहे हैं ना कि यार मेरे को भाई डर। ओह भाई देखो देखो भाई ये कैसे साउंड इफेक्ट्स यूज़, ये देखो भाई कुछ कोई चल के जा रहा है, बल्कि काफी डरावनी थी। ये देखो भाई ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। ओके 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 सामने से सामने से सामने से सामने से ये देखो सामने कोई। एक मिनट गाइस, शेडो तो पड़ना चाहिए ना भाई। इस चीज इस वीडियो पे भी यही सेम चीज हुई कि शेडो ही नहीं था इतनी रात को भाई, निकालो भाई ये देख रही वो गायब हो चुकी होती है। तो इस बारे में तो नंबर 4 पर है अंकुर का सब व्लॉग्स। ओके ओके है दैट से रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। ओके इस वीडियो में उन्होंने अपनी एक पुरानी वीडियो क्लिप शेयर करी है। वो बताते हैं कि एक दिन वो अपने फोन स्टोरेज को क्लीन कर रहे थे। ओके क्लीन करने के लिए वो अपने पुराने वीडियोस को चेक कर रहे थे और डिलीट कर रहे थे। तभी उन्हें अपनी एक पुरानी वीडियो मिली जिसमें उन्होंने अनजाने में कुछ बहुत ही अजीब और डरावना रिकॉर्ड किया था। ओके तो भाई मैंने ये वीडियो चलाई, और ये वीडियो चलाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। को अब कंफर्म हो चुका हूँ कि ये घोस्ट ही है। उसके बाद उस वीडियो में आगे वो उस क्लिप को शेयर करते हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, और उसमें कुछ ऐसा होता है। उन्होंने देखा वो इंसान जो उनके गाड़ी के सामने जा रहा था वो कहीं गायब हो गया। वो अच्छे से बताते हैं कि वो एक घोस्ट हो सकता है, और वो सारे एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये भी बताया था कि उस चीज ये वीडियो ना की कोई शैडो फॉर्म नहीं हुई थी जो उनके गाड़ी के सामने जा रही थी। तो आखिर घोस्ट जैसा ही लग रहा है एकदम भाई, और वो सारे एक्सप्लेनेशंस भी देते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये भी बताया था कि उस चीज की कोई शैडो फॉर्म नहीं हुई। ओके ये भी इस वीडियो को आप जूम कर कर देखो। ओके शैडो भी नहीं हुई आगे उसकी, सब कुछ रियल है भाई, ये सब कुछ थी जो उनके गाड़ी के सामने जा रही थी। तो आखिर उस क्लिप के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कुछ भी नहीं कहना है भाई, अभी
अभी इस वीडियो को फटाफट से यहाँ पर एंड कर देते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बाय।